जनसंख्या नीति को लेकर इन दिनों काफी चर्चे हो रहे हैं। ऐसे में चीन की चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। आपने हमेशा देखा होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क चीन है, लगभग 144 करोड़ की आबादी है। भारत का नंबर दूसरा है, 139 करोड़ की आबादी है। लेकिन 1979 से पहले चीन की हालत बेहद खराब थी। चीन की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। चीन की कम्युनिस्ट सरकार को ऐसा लगा कि आबादी तेज गति से बढ़ रही है तो उसके यहाँ जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। जनसंख्या विस्फोट होने पर कई तरीके की दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। ऐसे में चीन की उस वक्त की सरकार ने वक्त रहते ही खतरे को भापा और बढ़ती आबादी को रोक लगाने के लिए 1979 में एक बच्चे की नीति देश में लागू कर दी। नीति सिर्फ लागू ही नहीं की बल्कि इसका सख्ती से पालन भी कराया। चीन की इस नीति का अगर किसी ने उल्लंघन किया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। दो या उससे अधिक बच्चे पैदा करने पे लोगों की नौकरियां छीन ली जाती थी और उन पे भारी जुर्माना लगाया जाता था। इससे नतीजे ये हुए कि चीन ने अपने यहाँ आबादी विस्फोट पर काबू पा लिया और आज चीन कारोबार के लिहाज में कहाँ से कहाँ खड़ा है ये सब जानते हैं। चीन की आबादी को बढ़ने से रोका तो वो एक मुल्क बन पाया और आज चीन सुपर पावर बनने की दौड़ में है। दुनिया भर में उसका कारोबार फैला हुआ है। दुनिया के कई मुल्क चीन को अपना सामान एक्सपोर्ट कराते हैं, यानी चीन कारोबार में एक बड़ा हब बन गया है। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हमें क्या करना है। हमें समस्याओं से जूझना है या फिर समस्याओं से पार आना है।